अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं और शावर आप देख रहे हैं शाह कंप्यूटर वर्क्स। आज इस वीडियो में आप सीखेंगे कि इस 3D कार्ड को कैसे हम पहचानेंगे कि ये कितनी MB है, कितनी GB है, इसका बिट कौन सा है, 128 बिट है, 64 बिट है या 256 बिट है या इससे ज़्यादा, या इसका मॉडल कौन सा है। तो इसको हम कैसे पहचानेंगे, बाज़ औक़ात 3D कार्ड पर कोई भी लिखाई वगैरह नहीं होता। जैसा कि आप ये देख रहे हो कि ये एक 3D कार्ड है, ये तो मुझे मालूम है क्या है, लेकिन आपको मैं बताऊंगा कि ये आप कैसे चेक करेंगे इंटरनेट पर, इसका मॉडल कैसे चेक करेंगे और इसका बिट और इसका MB कौन सा है, इसका सारा डिटेल कैसे चेक करेंगे। और इस तरह ये भी एक 3D कार्ड है, इस पर तो नंबर लिखा है कि ये NVS 315 है, लेकिन ये नहीं लिखा है कि ये 512 है, 256 है या 1 GB है या 2 GB है। इस तरह ये भी एक 3D कार्ड है, ये भी 1 GB कंपनी का है। यहाँ आप देख रहे हो कि कोई भी लिखाई नहीं लिखा है, सिर्फ ये लिखा है कि GVN630 2GI का मतलब है कि ये 2GB है, लेकिन ये नहीं लिखा है कि ये 64 बिट है, DDR3 है, DDR5 है। तो इसको हम एक एक करके इंटरनेट पर चेक करते हैं। सबसे पहले अगर आप किसी भी 3D कार्ड को चेक करना चाहते हो कि इसका मॉडल कौन सा है, इसका ड्राइवर कौन सा है और इसका पूरा डिटेल कौन सा है कि ये DDR3 है या 2 है या DDR5 है, तो यहाँ आप देख रहे हो कि ये AMD N136। तो यहाँ मैं इंटरनेट पर AMD N136 टाइप करूँगा। आप देख रहे हो कि AMD 136 पे मैंने एंटर कर दिया और ये 3D कार्ड आपके सामने आ गया। ये 3D कार्ड है, ये आप देख रहे हो कि ये DDR3 है, AMD में है और ये DirectX 11 है, 512 MB है। इसका पता चल गया कि ये AMD 3D कार्ड है। अब इसी तरह हम इस कार्ड को भी चेक करेंगे कि ये कौन सा 3D कार्ड है, इसका MB कौन सा है, ये DirectX 11 है, DDR3 है या DDR5 है। तो आप ये देख रहे हो कि NVIDIA NVS 315, इसको हम इंटरनेट में गूगल सर्च में एंटर करेंगे, इसका सारा डिटेल आपके सामने आ जाएगा, NVS 315। तो अब हम इंटरनेट को आ गए, यहाँ मैं चेक करता हूँ NVS 315 स्पेक। इसका आप ड्राइवर भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, आप यहाँ इसका पूरा डिटेल भी देख सकते हो। तो जो भी वेबसाइट आ जाए आपके सामने आवाज़ से, आप इसको ओपन कर सकते हो। यहाँ मैंने ओपन कर दिया, अभी यहाँ से चेक करेंगे कि ये आप ये देख रहे हो कि ये 3D कार्ड आ गया और ये इसके सामने ये पूरा डिटेल है। ये आप देख रहे हो कि NVS मॉडल है ये, और ये 1024 MB है, मतलब 1 GB DDR3 64 बिट। ये 3D कार्ड जो हमने इंटरनेट में दे दिया ये वाला, इसका मतलब है कि ये 1 GB 3D कार्ड है, NVS ये 64 बिट है, DDR3 है, इस पर GTA 5 वगैरह इस कस्म के गेम चलते हैं। यहाँ से आप NVS के ड्राइवर भी डाउनलोड कर सकते हो। इस तरह के ये जो तीसरा ये वाला 3D कार्ड, इसको भी हम चेक करते हैं कि इसका स्पेसिफिकेशन कौन सा है। ये GVN630 2GI GV, यहाँ से हम एंटर करेंगे GVN630 2GI। 2GI ड्राइवर डाउनलोड करना चाहते हो या स्पेसिफिक मालूम करना चाहते हो, तो यहाँ हम इस ड्राइवर के स्पेसिफिकेशन डाउनलोड करेंगे। ये आप देख रहे हो कि ये 630 मॉडल है NVIDIA में, और ये 2GB DDR3 है, ये 2GB DDR3, लेकिन इसका बिट 128 बिट है। इसका HDMI पोर्ट है, इस पर DVI पोर्ट है और DSub पोर्ट है, इसमें VGA भी है। तो इस तरह आप हर किस्म के 3D कार्ड के मॉडल और उसका ड्राइवर और उसका स्पेसिफिकेशन
इंटरनेट के ज़रिए मालूम कर सकते हो। तो दोस्तों आपने देख लिया कि हमने मुख्तलिफ कार्ड के मुख्तलिफ मालूमात देख लिए नेट पर। इस तरह आप अपने कार्ड के मुख्तलिफ किस्म के कार्ड देख सकते हो। इसके अलावा एक सॉफ्टवेयर भी है CPUZ GPUZ, उसमें भी आप विंडो के अंदर ही इसकी मालूमात देख सकते हो, लेकिन ये ऑनलाइन तरीक़ा है। इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।